व्हाट्सएप गैस कैसे ब्लॉग ऐसा कर तो बहुत बढ़िया होंगे। सो गैस वीडियो में कुछ एडिटिंग वगैरह हम लोग नहीं करेंगे, सिंपली कैसे हम लोग एयरलाइन मोशन ऐप में कस्टम फोन को ऐड करें इसके ऊपर फिर वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को फिर ध्यान से देखना। और एक बार फिर मैंने न्यू एक टेलीग्राम चैनल को ओपन किया, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को सारे मॉड पर्सन ऐप का लिंक और जो भी मैं वीडियो में मेटेरियल यूज़ करता हूँ सब मैं प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल में। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गैस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बदल वे लाइक है उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिए। सो गाइस हम वीडियो अपलोड करें वीडियो टीम टेक, तो ज्यादा देर न करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ऑलराइट गाइस, आप लोगों को लाइव मोशन ऐप में फोन ऐड करने के लिए सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, कोई भी फोन को आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली जो काम करोगे, आप लोग फोन के क्रोम ब्राउजर पे जाना। जाने के बाद सिंपली आप लोग एक फ़ोन का वेबसाइट है, तो आप लोग दा फोन वेबसाइट को सर्च कर लेना। तो यहाँ से आप लोग बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन मिल जाएगा फ्रेंड। तो मैंने मेरा क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके इस वेबसाइट को ओपन कर लिया फ्रेंड। तो यहाँ से आप लोग कोई भी फ़ोन को डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इस फ़ोन को अभी डाउनलोड करूँगा फ्रेंड। इस फोन को डाउनलोड करने के लिए मैंने डाउनलोड पर टच कर दिया फ्रेंड, देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है, ऑलरेडी डाउनलोड हो गया। तो होने के बाद सिंपली मेरा कौन सा फोल्डर में इस फोन डाउनलोड हुआ है, तो इसके लिए मैं सिंपली मेरा फ़ोन का मीडिया फाइल को ओपन कर लेंगे फ्रेंड। तो आप लोग ऐसे करके फ़ोन को डाउनलोड कर लेना। तो मैंने मेरा फ़ोन का मीडिया फाइल को ओपन कर लूँगा फ्रेंड। सो गाइस मैंने मेरा मीडिया फाइल फ़ोन का मीडिया फाइल को ओपन कर लिया। कर लेने के बाद सिंपली डाउनलोड फोल्डर पे डाउनलोड हुआ है, तो मैंने इसको ओपन कर लेंगे। कर लेने के बाद देख लेंगे कहाँ पे वो फ़ोन डाउनलोड हुआ है। मैं ढूंढ लेता हूँ सिंपली उस फ़ोन को जो फ़ोन अभी मैंने डाउनलोड किया है। सो गाइस देख सकते हो इस फ़ोन को मैंने अभी डाउनलोड किया है। तो इसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट हेयर करने के लिए सिंपली हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद देख सकते हो एग्जिट हेयर दिखा रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे तो एग्जिट हो जाएगा फ्रेंड। तो ऊपर शायद चला गया, ऊपर चला गया सिंपली। तो इसको हम लोग आप लोग इस फोन को कोई भी अपना फोल्डर में ले जा सकते हो। तो ले जाने के लिए सिंपली आप लोग ऐसे करके प्रेस करना। करने के बाद मूव पे मैं टच करके मेरा इंटरनल स्टोरेज में एक फोल्डर है फ़ोन का, उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं सारे फ़ोन को रखता हूँ, तो इसको मैं पेस्ट कर दूंगा ऐसे करके। देख सकते हो ये आ चुका है। तो इसको मैं सिंपली मेरा लाइव मोशन ऐप में अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली मैं मेरा फ़ोन का एलाइन मोशन ऐप को ओपन कर लेंगे फ्रेंड। तो मैं एलाइन मोशन ऐप को ओपन कर लूँगा। सो गाइस मैंने मेरा फ़ोन का एलाइन मोशन ऐप को ओपन कर लिया। कर लेने का सिंपली प्लस आइकन पर टच करेंगे, उसके बाद इसका रेशियो कोई भी रखेंगे आप लोगों को खाने के लिए। कोई भी रेशियो मैं रख दूंगा। रखने के बाद केयर प्रोजेक्ट पर टच कर दूंगा। करने के बाद सिंपल लोग प्लस आइकन पर टच करेंगे, उसके बाद हम लोग एडिट ऑप्शन पर टच करेंगे। उसके बाद मैं कुछ लिखूंगा फ्रेंड। तो मैं मेरा चैनल का नाम लिख देता हूँ फ्रेंड। सो मैंने मेरा चैनल का नाम लिख दिया। लिखने के बाद आप लोगों को ठीक से दिखाने के लिए इसका कलर को भी मैं चेंज कर देता हूँ। सो गाइस मैंने इसका कलर को भी चेंज कर दिया। करने के बाद सिंपली फ़ोन को ऐड करेंगे। अभी तो ऐड करने के लिए सिंपली जो ऊपर दिखा रहे रोबोट लेबर्ट, इसके ऊपर हम लोग टच करेंगे फ्रेंड। तो टच करने के बाद सिंपली जो व्यू ऑल फोन आ रहा है उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे फ्रेंड। कर लेने के बाद सिंपली जो साइड में थ्री लाइन शो कर रहा है इसके ऊपर हम लोग टच करेंगे। उसके बाद जो नीचे लिखा आ रहा है इनपुट फोन, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे फ्रेंड। कर लेने के बाद आप लोगों का सिंपली फ़ोन का जो भी फोल्डर है जहाँ पे आप लोगों का फोन है तो सिंपली आप लोग ओपन कर लेना। तो मैंने मेरे इंटरनेट पे रखा है। तो रखने के बाद सिंपली जो मैंने एक फोल्डर बनाया है फोन का, तो इस फोल्डर को मैं ओपन कर लूँगा। कर लेने के बाद सिंपली देख सकते हो अभी हम लोग कुछ देर पहले फ़ोन को डाउनलोड किया था इस फ़ोन को। तो इसको हम लोग ऐड करने के लिए सिंपली हम लोग फोल्डर को ओपन किया। कर लेने के बाद सिंपली इसको ऐसे करके प्रेस कर देंगे। प्रेस करके इसको डन करके सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको ऐसे करके सिलेक्ट कर देता हूँ सारे फ़ोन को इसका जो भी है। तो मैंने ऐसे करके इसको सिलेक्ट कर दूँगा सारे को। सो मैंने कर दिया। करने के बाद सिंपली हम लोग सिलेक्ट पर टच कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को फ़ोन अप्लाई हुआ नहीं हो आप लोगों को सिंपली दिखा दूंगा। जो इंपोर्ट है इंपोर्ट पर हम लोग टच करेंगे फैन ऐसे करके। उसके बाद दिखा दूंगा अभी जो हम लोग ऐड किया है फ़ोन को, तो दिखा दे तो कौन सा फ़ोन है फ्रेंड। सो गाइस देख सकते हो जो नीचे जो लिखा है फ़ोन का नेम, तो इस फ़ोन अभी हम लोग ऐड किया है एलिमेशन ऐप में, देख सकते हो ऐड हो चुका है।
तो इसको मैं थोड़ा सा साइज को भी इंक्रीज कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग कोई भी फॉन्ट को LMotion ऐप में ऐड कर सकते हो फिर। तो ऐसे करके आप लोग कोई भी फॉन्ट अप्लाई कर लेना। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ठोक डालो और हो सके तो फ्रेंड वीडियो को फ्रेंड लोगों से शेयर भी कर देना। सो गाइस अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाल का बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना। सो गाइस इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग कुछ डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग ऑल, बाय बाय।